हेलो फ्रेंड्स, मैं पतलीकुल थाने के बाहर खड़ा हूँ। सबको पता है कि पूरे मनाली में 3 दिन से इतनी बर्फबारी पड़ रही है कि मनाली में 4x4 के अलावा कोई गाड़ी नहीं चल रही है, पर तब भी एक यहाँ पे मैडम है जिसका रैंक सुपरिटेंडेंट है, फूला मैडम। वो अपने आप को आरटीओ बोल के पतलीकुल में जानबूझ के टूरिस्टों को तंग किया जा रहा है। अभी एक जिप्सी 4x4 10 दिन से सर्विस दे रही है मनाली में। जिप्सी के अलावा कोई गाड़ी सर्विस 4x4 सर्विस मनाली में कोई गाड़ी नहीं चल रही है। बानुपुल से 12 घंटे से जाम है, 12 घंटे से बानुपुल जाम है, परंतु यहाँ पे जिप्सी वालों को तंग किया जा रहा है, जबकि जिप्सी वाले यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। मैं प्रशासन को बोलता हूँ, जिप्सी के अलावा प्रशासन यहाँ गाड़ी लाए, प्रशासन क्लाइंटों को जिप्सी के अलावा कोई भी गाड़ी दे, जिससे प्रशासन इन क्लाइंटों को बाहर निकाले यहाँ से, अगर प्रशासन के पास जिप्सी के अलावा कोई गाड़ी है तो। अभी प्रशासन पतलीकुल में यहाँ से जिप्सी से सवारी उतारी और वो सवारी किसी और गाड़ी में शिफ्ट कराई। वो सवारी बानुपुल में खड़ी हो गई है, अपने बच्चों के साथ वो सवारी बानुपुल में खड़ी हो गई है। अब उस बानुपुल से सवारी को आगे कौन ले जाएगा? ये मैडम है जो सुपरिटेंडेंट है, अपने आपको आरटीओ बोल रही है। मैडम आप सर्विस दीजिए टूरिस्टों को यहाँ से लेके मनाली तक। जो बानुपुल में मनाली बानुपुल से 2x2 गाड़ी ही जा रही है। आप मैडम सर्विस दीजिए। मैम हम आयस्ता नहीं बोलेंगे, वी एम फ्रॉम प्रेस मैम, हम प्रेस से है, हम इस बात को बोलेंगे। मैम 3 दिन से सोनंग वैली गुलाबा हर जगह से जिप्सी वाले बेचारे टूरिस्टों को नीचे ला रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं, पर यहाँ पे इन मैडम द्वारा, ये सुपरिटेंडेंट है और अपने आप को आरटीओ बोल रही है ये मैडम, इन्होंने जिप्सी वालों को रोक के तंग करके 5,000 रुपए एंट्रियां लेके। और मेरे को बताओ मनाली में इस टाइम 2x2 गाड़ी आज इन्होंने जिप्सी से सवारी उतार के बेचारे 2x2। ये देखिए इन्होंने लिफ्ट दी थी बंदों को, इन्होंने हमारा सामान 2000 रुपए किया। देखिए यहाँ पे अभी लोग आगे हमारे अपने फैमिली के मेंबर। मैं मंत्री जी को भी बोलना चाहता हूँ, मंत्री जी जब तक ऐसा स्टाफ रहेगा आपके कुल्लू में, हमारे नॉर्मल लोग परेशान होते रहेंगे। 3 दिन से हम खुद अगर, और जो जो जिप्सी से क्लाइंट, कोई क्लाइंट यहाँ पे जबरदस्ती आ रहा है क्या? अगर 2x2 मनाली में चल नहीं सकती है तो प्रशासन 4x4 की मैडम आप सर्विस दे दीजिए। आप मैम 4x4 की सर्विस दे दीजिए। जो क्लाइंट बानुपुल में 200 गाड़ियां फंसी हुई है, मैम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बानुपुल में जाइए, 200 गाड़ियां फंसी है ऊपर, आप वहां पे सर्विस दीजिए मैम 2x2 की। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैडम? आप तो हरासमेंट कर रहे हैं। और इन्होंने अभी 48,000 जिप्सी से टूरिस्ट उतारे और वो टूरिस्ट इन्होंने किसी गाड़ी में भेजे, और वो टूरिस्ट बानुपुल से अब उसकी गाड़ी नहीं चढ़ रही है, तो वो अपने होटल तक कैसे जाएगा? 3 नंबर गाड़ी है, HP01K 3329 नंबर गाड़ी है उसका, जबरदस्ती उस गाड़ी में इनको, उनको टूरिस्ट को बिठाया गया, और अब वो बानुपुल के ऊपर खड़ा हो गया है और बोलता है कि मेरी गाड़ी यहाँ तक ही जाएगी, आप होटल पैदल जाइए। मैं मंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, मंत्री जी हम आपकी प्रशासन, आपके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। हम एक एक टूरिस्ट को रात को 3-3 बजे सोनंग वैली से मनाली पहुंचा रहे हैं और बुलडोजर अपने चला रहे हैं, तब भी ये ऐसी मैडम जो अपने आपको आरटीओ बोल रहे हैं, सरे हम आरटीओ बोल रहे हैं अपने आपको, हमें पता लगा, हर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आरटीओ मैडम बैठी है, हमें पता लगा यहाँ तो यहाँ सुपरिटेंडेंट मैडम बैठी है। हाँ जी बोला आरटीओ मैडम बैठी है, बोला नहीं आरटीओ मैडम बैठी है। चलो कोई नहीं, आप मैडम आप अपना काम कीजिए, यहाँ पे सर्विस दीजिए आप, तो आप 4x4 गाड़ियां टूरिस्ट को पहुंचाइए आप ऊपर तक मनाली तक, हमारा जो मनाली टूरिस्ट आ रहा है आप उन टूरिस्टों को पहुंचाइए। आप टूरिस्ट को पहुंचाइए। नो मैम, वी आर फ्रॉम प्रेस मैम, आप टूरिस्ट को पहुंचाइए मैम। मैम ये मेरा कार्ड है मैम, ये मेरा कार्ड है मैम। बाकी मनाली 2 दिन से ब्लॉक है, पूरे मनाली प्रशासन को जिप्सियों की याद आ रही है, जिप्सियां टूरिस्ट को सोनंग वैली से ले रही है और मनाली ला रही है, और मैडम यहाँ पे पतलीकुल में बैठे हैं। मैडम आप कृपया करके ऊपर जाइए, आप ऊपर जाइए मैम, कृपया करके आप ऊपर जाइए मनाली में, बानुपुल के वहाँ गाड़ियां खड़ी है, आप ऊपर जाइए। हाँ जी हाँ जी, देखिए दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ये हमारे SHO साहब है, SHO साहब को पता है कि मनाली सिर्फ 4x4 गाड़ियां जा रही है, सिर्फ 4x4 गाड़ियां जा रही है मनाली, तब भी जबरदस्ती गाड़ियों को रोका जा रहा है और गाड़ियों को तंग किया जा रहा है। अब देखिए ये जिप्सी में क्लाइंट है। सर आपको कहाँ से निकाला आपको मनाली से? सियाल से निकाला ना आपको, वहां पे कोई ऑल्टो चल रही थी, वहां से 2x2 गाड़ी चल सकती थी? अगर मैडम ये जिप्सी नहीं होती तो आप निकल पाते? बोलिए जी, आप निकल पाते? तो देखिए अगर जिप्सी नहीं, अगर आपको नहीं निकालता तो आप घर पहुंच पाते? देखिए जी, मतलब क्लाइंट खुद बोल रहे हैं कि अगर जिप्सियां नहीं होती हम यहाँ से मनाली से निकल नहीं सकते। हम मनाली से टूरिस्टों को निकाल रहे हैं, टूरिस्टों को मनाली से, और यहाँ पे पतलीकुल में रोक रहे हैं टूरिस्टों को कि सी आइए आप हमारा चालान भरिए।
एसएचओ साहब, हम लाइव चल रहा है, किसी ने ट्रांसफर की बात नहीं देखो जी, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। मंत्री जी को मैं सही बोलता, अगर इस प्रकार के अधिकारी रहेंगे, मैं ऊपर से टूरिस्ट सियाल से टूरिस्ट निकल के आ रहे हैं जिप्सी में, और उनको बेचारे बच के आ रहे हैं, और यहाँ उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मनाली में जितनी भी जिप्सियां हैं जानबूझ के आप, मैम कुल्लू जाइए, आप मनाली जाइए मैम, यहाँ देखिए लोकतंत्र का अधिकार है मैडम। आई एम अटैकिंग यू ना एक मोबाइल से, ये पिस्तल है जी मेरे वहाँ मोबाइल में। देखिए मनाली में जितने भी जिप्सी वाले हैं, मैं आग्रह करता हूँ यार, मत दो सर्विस, सब अपने मालिक है जिप्सी वाले ना, मत दो सर्विस, सबको कोई भी सर्विस मत दो मनाली में, सब उतार दो जिप्सियों से यार। क्लाइंट रात को 3 बजे उठ के जरूरत क्या है हमारे को सर्विस देने की है, क्लाइंट को लिफ्ट दे रहे हैं, लिफ्ट क्लाइंट को, और लिफ्ट देने में यहाँ पे चलान मत दो सर्विस, 4x4 की सर्विस, प्रशासन अपने आप गाड़ियां लाएंगी। एसएचओ साहब आप गाड़ियां दीजिए क्लाइंटों को। बानोपुल में 6 घंटे से लाइन लगी हुई है, गाड़ियां नहीं चल रही है। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए अब सच्चाई देखिए, स्टार्ट कर दी है गाड़ी और मैडम जा रहे हैं, देखिए मैडम जा रहे हैं, सबको डिस्टर्ब करके मैडम जा रहे हैं, टूरिस्ट ऊपर बेचारे फंसे हुए हैं, वो निकल रहे हैं जिप्सियों में, पर मैडम जा रहे हैं, मैडम यहाँ पतली कुल में खड़े हो गए आके, मैडम को पतली कुल में अच्छा लगा है, पर ऊपर कुल्लू मैडम मनाली जाइए, मनाली का कोई जिप्सी वाला गरीब नहीं है, मनाली में कोई जिप्सी वाला गरीब नहीं है, किसी को चलान की डर नहीं है, पर टूरिस्ट को रेस्क्यू करने के लिए जिप्सियां चलाई जाती है मनाली में, मनाली में जिप्सियां रेस्क्यू करने के लिए चलाई जाती है। मैं बोलता हूँ जिप्सियों को यार मत चलाओ, आपको थोड़ी कोई 2000 की फिक्र है, जब 2x2 गाड़ी चल नहीं सकती। एसएचओ साहब आप बताइए मनाली इस टाइम 2x2 गाड़ी पहुंच पाएगी? सुनिए ये प्रशासन के क्लियर ऑर्डर वसूलिए मेरी बात। हाँ जी, प्रशासन ने कहा है, हाँ जी, अगर हमारे जो पर्यटक है, हाँ जी, उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना है, हाँ जी, तो जेन्युइन रेट लिए उनसे, हाँ जी, हाँ जी, लूटा ना जाए, हाँ जी, 1500 रुपए ये है ना सर, अभी एक गाड़ी रुकी 48 था जिसने लिफ्ट दी थी सर, लिफ्ट दी थी मात्र, और ये जो तय करना उस गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी में पुलिस द्वारा शिफ्ट कराया गया सर, आपके पुलिस अधिकारियों ने उसको शिफ्ट कराया, वो बानोपुल में क्लाइंट फंसे हैं अपने बच्चों के साथ, अब उसको बानोपुल से उसके होटल कौन पहुंचाएगा? एसएचओ साहब मेरे को ये बताइए, इस मामले को देखूंगा, मेरे संज्ञान में जब होगा, हाँ जी, बात को देखूंगा सर। इस टाइम हमारे प्रशासन के इस टाइम 800 लोग सर लाइव देख रहे हैं आपको, आप देखिए, क्योंकि ये जो टूरिस्ट है सर, आप इनसे पूछिए, सियाल से आए, ये सियाल से आए सर, ये अगर 2x2 गाड़ी चल नहीं सकती है तो 4x4 यार सियाल से यहाँ तक पहुंचा रहे हैं टूरिस्टों को, कोई लिफ्ट दे रहे हैं, तो जिप्सी वालों ने क्या गुनाह कर दिया ऐसा है? यहाँ पे प्रशासन ने आदेश दिए दे रखे कि जो हमारे सैलानी है वो गंतव्य स्थल तक पहुंचे, हाँ जी, और वहाँ से वापस आए, बट जो प्राइवेट वाहन जैसे जिप्सी है, हाँ जी, 4x4 सर, हाँ, हमारे प्रशासन अधिकारियों के मामले संज्ञान में बात आई है कि वो मनमाने दाम बोल रहे हैं सर। आपको कोई रिटर्न कंप्लेंट आई किसी मनमाने दाम की? इस संदर्भ में कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं थी। तो फिर कैसे सर? इस संदर्भ में आरटीओ साहब आए थे, आरटीओ साहब नहीं थे जी, ये स्टूडेंट मैडम है हमारी, हाँ जी एक भी इस मामले में एसएचओ साहब एक भी जिप्सी के खिलाफ रिटर्न कंप्लेन नहीं, उल्टा जिप्सी के खिलाफ आप ऑनलाइन पढ़िए, हर जगह पढ़िए, रिव्यूज है कि हमारे बच्चों को स्थल तक पहुंचाया सर, जितने भी मनाली में जिप्सी वाले हैं ना, कोई भी गरीब लोग नहीं है सर, सब अपने लिए लिए जिप्सियां, बर्फ में जब डीएसपी साहब एसडीएम साहब जब ऑर्डर करते हैं हमें, तब हम बर्फ में 3-3 बजे तक रात को जिप्सियों से रेस्क्यू करते हैं क्लाइंटों को सर। और सर अब ये मैडम कहां भाग गए सर एकदम, अब क्यों गायब हो गए सर ये मैडम? हाँ जी आप आइए, हाँ जी, देखिए लोगों यार जिप्सी वालों को इतना बदनाम किया जाता है 4x4, मैं बोलता क्यों बचाते हैं क्लाइंटों को, क्या कमाना 2-3 हजार लेके, क्या कमाना 6-7 बजे से जाम में फंसे हुए हैं, अगर ये हरकतें होंगी तो क्या कमाना ना जिप्सी वालों ने, 2 दिन जब मनाली में 2x2 नहीं चल पा रही है, इस टाइम मनाली में 2x2 नहीं चल पा रही है, उसके बावजूद लोग जिप्सियों से यार सियाल से क्लाइंट आए, हर जगह से क्लाइंट आए हैं, तो जिप्सियों में क्लाइंटों को निकाला जा रहा है, और उनको भी पतली कुल में रोक के 5-5 हजार से उनसे वसूल की जा रहा है, चाहे वो किसी को लिफ्ट दे रहे हैं चाहे कुछ भी दे रहे हैं, जैसे ये है जिप्सी वाले। देखिए सर आप इस टाइम किस होटल से आए? मैं प्रेस से हूँ सर, अभी आपका मनाली लॉज से आए ना, तो अगर सर ये जिप्सी नहीं होती तो आप यहाँ तक पहुँच पाते? वहीं रह जाते सर, आगे आपका सब कुछ छूट जाता, तो इस जिप्सी वाला आपको लूट रहा है सर, ये लुटेरा है सर जिप्सी वाला। थैंक यू सर, थैंक यू, जा सकते हैं। ये देखिए सर अभी आप किस होटल से आए हैं सर? मनाली से कौन से होटल से आए हैं सर? ग्रीन पार्क से। सर अगर ये जिप्सी नहीं होती आप यहाँ पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते सर। तो ये जिप्सी आपको लूट रही है सर, लुटेरा है ये जिप्सी वाला? नहीं। हाँ जी सर नहीं। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सेवाएं देने के लिए, थैंक यू।
देखिए जी, मतलब एक एक मनाली के जिप्सी वाले से बैठे हुए क्लाइंट से पूछ लीजिए, सब क्लाइंट इतने खुश है, बिना जिप्सी के कोई क्लाइंट यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। और यहाँ पे मैडम साहब यहाँ पे 5,000 के उन्हीं के चलान कर रहे हैं। मैं रुकूंगा, मैं एक एक जिप्सी को रुकूंगा, सबसे पूछूंगा कि जिप्सी के अलावा कोई पहुँच पाते। देखिए ये एक और जिप्सी आ गई जी, ये देखिए एक और जिप्सी आ गई जी। एक मिनट, सुनो, नंबर नोट है, सुनो, एक मिनट सुनो। सर आप कौन से होटल से आए सर आप, होटल मनाली में? नहीं, अगर ये जिप्सी नहीं होती तो आप यहाँ तक पहुँच पाते सर? हाँ जी, तो ये जिप्सी वाले लूट रहे हैं आपको सर, ये लूटे रहे हैं जिप्सी वाले? हाँ जी, देखिए जी, ये लोग हम यहाँ रास्ते में फंसे हुए थे। हाँ जी, उन्होंने हेल्प मांगी, हमने हेल्प किया। देखो जी, ठीक है, थैंक यू जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।